हेलो फ्रेंड्स क्या हाल चाल है रही चलो सभी का हाल चाल बड़े ही होना चाहिए तो सर फाइनली आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर टेन आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने बच्चे इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं ऑलमोस्ट सारे बच्चे सीएस प्रोफेशनल के हैं क्योंकि आज हमारा सेशन सी प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए है चाहे वो ओल्ड सिलेबस के हैं चाहे वो न्यू सिलेबस के हैं अच्छा अब कल के सेशन में जो हमारा सेशन नंबर नाइन था उसके अंदर मैंने कहा था कि आज हम इंटरनेशनल टेक्स स्टार्ट करेंगे तो जितने बच्चे एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस वाले हैं उनके एग्जाम में भी इंटरनेशनल टैक्सेशन आता है तो जो बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले हैं वो यहाँ पे रुके रहेंगे बाकी एग्जीक्यूटिव का जो भी न्यू सिलेबस वाला है ना सर आज वो यहाँ पे उनके काम के टॉपिक नहीं होंगे तो अगर आपको वैसे है नॉलेज के लिए बैठ सकते हो बट मैं उम्मीद करूंगा कि सारे बच्चे हमारे सी एस के की फैमिली के हैं क्योंकि सी एस प्रोफेशनल के बच्चे मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे सर प्लीज हमारा इनकम टैक्स रिवाइज करा दो क्योंकि इनकम टैक्स में दिक्कत आती है इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है मुझे समझ नहीं आता प्रॉब्लम उन्हें आती क्यों है तो फाइनली अब जो मेरे आने वाले एमडब्ल्यूएफ में जितने भी सेशन होंगे ना वो सारे के सारे इनकम टैक्स के रिविजन के होंगे और जो अप्रैल के सेशन होंगे वो सारे इनकम टैक्स में होंगे जो सेशन मेरे मे के अंदर आएंगे वो सारे के सारे जीएसटी के हर चैप्टर में जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन इवन सी ये फाइनल के अंदर आए हैं वो सी एस प्रोफेशनल के अंदर मतलब जहां जहां पर इतने क्वेश्चन प्रैक्टिकल जीएसटी के बने हैं ना वो सारे मैं यहां पर डिस्कस करूंगा बट मे के मंथ में तो अप्रैल का सारा महीना हम इनकम टैक्स रिवाइज करेंगे और मे का पूरा महीना हम जीएसटी रिवाइज करेंगे और कस्टम रिवाइज करेंगे तो इट मीन आपके इन दोनों महीनों में ना जितना टाइम हमारे पास बचा तो प्रोफेशनल के सभी बच्चों को मैं जीएसटी कस्टम और इनकम टैक्स की रिविजन यहाँ पे करवा दूंगा उनकी टेंशन नहीं है तो आज से बस ये ध्यान रखना कि आज से एडवांस टैक्स का पेपर आपका नहीं है सर वो पेपर मेरा है आप किसी और पेपर की तैयारी में लग जाओ अब एडवांस टैक्स में जितने भी टॉपिक्स होंगे ना वो सारे के सारे बस मुझे यहाँ पे रिवाइज करवाने बस ये बात ध्यान देना ठीक है जी वैसे आर बच्चे बहुत कम आए होंगे क्योंकि मुझे पता है क्योंकि आर बच्चे बहुत कम आए प्रोफेशनल के बच्चे इतने लाइव नहीं आते क्योंकि उनको अपने आप पढ़ने की सेल्फ स्टडी करने की आदत होती है बट मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर इतनी गारंटी मेरी है कि जितना टाइम आप मेरे पास यहाँ पे लगाओगे चाहे वो आधा घंटा है चालीस मिनट है पैंतालीस मिनट है सिंगल टाइम भी आपका वेस्ट नहीं करूंगा तो जितने भी आपके दोस्त अगर सीएस प्रोफेशनल के हैं अगर वो रिवीजन करना चाहते हैं प्लीज उन्हें बोल देना कि MWF में जितने भी सीएस प्रोफेशनल के एक्सक्लूसिव सीएस प्रोफेशनल के सेशन जो होंगे ना वो हमारे शाम को सात बजे होंगे ठीक है जी तो अपने दोस्तों को जरूर बोल देना कि पूरा दिन चाहे वो सेल्फ स्टडी कर लें बट शाम के चालीस से पैंतालीस मिनट मुझे दे दें इतनी गारंटी है कि एग्जाम में वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे ये सेशन बहुत काम आएंगे आप मुझे याद करोगे ये मेरी गारंटी है ठीक है री? चलो अब मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए टाइम बहुत कीमती होता है कि बच्चे कहते हैं सर आप हमारा टाइम वेस्ट मत करो आप ये बताओ कि आज हमें कराओगे क्या अब अगर मैं सर अपनी बुक्स का ना आपको इनकम टैक्स की जो मेरी लेटेस्ट बुक है मैं लास्ट बैच की बात नहीं कर रहा जो मेरा भी प्रोफेशन का करंट बैच चल रहा है उसकी इनकम टैक्स की लेटेस्ट जो मेरी बुक है ना उसका इंडेक्स मैं आपको दिखा रहा हूं सर उसके इंडेक्स में ना ये सारे के सारे चैप्टर आपके सी प्रोफेशनल के न्यूज सिलेबस के अंदर है

इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है ना, सिलेबस की बात करता हूं तो पंद्रह से लेकर बीस नंबर में टोटल हमारे टॉपिक पता है कौन कौन से कवर होंगे टॉपिक जो हमारे कवर होंगे ना वो ये वाले टॉपिक कवर होंगे जिसके हमें रिविजन करनी है डेली शाम को एक तो टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे ट्रांसफर प्राइजिंग का एक टॉपिक हमारा यहाँ पे होगा डी टी डबल एक टॉपिक हमारा यहाँ पे होगा पोयम कॉन्सेप्ट वाला और एक टॉपिक होगा गार वर्सेस सार इट मीन आपको शायद पता हो आपने किया होगा क्लासेस में गार का टॉपिक किया होगा सार का टॉपिक क्या होगा तो ये चार टॉपिक हमें लाइव सेशन में रिवाइज करनी है अब बच्चा ये बात कहता है सर इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है फॉर एक्जाम्पल टैक्स प्लानिंग वाला क्या आप हमें रिवाइज नहीं कराओगे सर ये टॉपिक आप खुद भी कर सकते हो अगर इसमें कोई भी डाउट होगा ना कमेंट बॉक्स में डाल देना इसकी रिविजन में करा दूंगा

उसके बाद डबल टैक्सेशन वो मैं रिवाइज करा दूंगा टीपी मैं रिवाइज कराऊंगा गार मैं कराऊंगा टैक्सेशन ऑफ फर्म और एलएलपी ये भी बिल्कुल सिंपल है आप खुद कर सकते हो एएमटी वाला टॉपिक मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है लाइव दरबार के अंदर वो एक बार आप देख लेना बाकी इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन स्पेसिफाइडन इसमें कैपिटल गेन के टॉपिक है जैसे बायबैक की टैक्सेशन हो गया स्लम सेल हो गया फिफ्टी सी हो गया हो गया मर्जर हो गया डी मर्जर हो गया बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक जो होंगे वो सारे इसके अंदर आते हैं उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है और ट्रांसफर प्राइजिंग तो हम टीपी के साथ ही कर लेंगे फाइव हेड ओनली ओल्ड सिलेबस के लिए जिनको फाइव हेड की रिवीजन करनी है वो उन्नीस घंटे की रिवीजन क्लास देख लेंगे वहां से आपके पांच हेड हो जाएंगे और जो बच्चे प्रोफेशनल के न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं मैं उन्हें हर बार बोलता हूँ कि आपके सिलेबस के अंदर पांच हेड नहीं है बट बहुत सारे बच्चे इस गलत फेमी के अंदर जाते हैं कि बिना पांच हड के एग्जाम के आएंगे उनके एग्जाम क्रैक नहीं होते क्योंकि क्योंकि अगर आपने बिना पांच पांच के एग्जाम एग्जाम दिए ना तो आपके क्रैक नहीं होंगे होंगे इनकम टैक्स में जो भी होंगे, वो पांच से लिंक होकर आएंगे तो जो बच्चे क्लासेज ऑलरेडी ओल, ले रहे हैं मुझसे उनके पास पांच हेड आते हैं जो कहीं से भी ले रहे हैं तो बस मेरा उनको एक एडवाइस है पांच हेड जरूर अच्छे से करना बिना पांच हेड के क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे ये बात ध्यान देना ठीक है जी तो ये टॉपिक आपके पूरे इनकम टैक्स में कवर है जी अब जो हमें आज चैप्टर स्टार्ट करना है ना आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे सबसे पहला हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग अप्रैल के अंदर आज हमारी यहाँ पे 17 17 अप्रैल 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 है तो 17 से लेके 30 तक ना मैंने काउंट किया है एमडब्ल्यू में टोटल मिला के हमारे छह सेशन होते हैं छह या सात सेशन होंगे अगर मैं संडे का भी एक आधा लेता हूं तो उस छह सेशन में हम डिस्कस कैसे करेंगे मेरे चार सेशन जो होंगे वो चैप्टर पे लगेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग एक सेशन होगा मेरा लगेगा डी के ऊपर

और आपको मैं सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा एग्जाम में जो बच्चा कहता है सर क्वेश्चन पता नहीं कहां से आते हैं हमें क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते सर प्रॉब्लम क्या आपके पढ़ने का तरीका ही अलग लेवल का है इट मीनस सबसे बड़ी दिक्कत क्या है प्रोफेशनल का बच्चा अपने आपको एक अलग लेवल पे ले रहा था कि वो सोचता है ऑलमोस्ट मैं सी बन गया मुझे सारा ज्ञान प्राप्त है उसकी बहुत बड़ी गलत है तो सिंपल सी बात यह है एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनेंगे वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे तो वो सारी बातें हमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसके आप टेंशन मत लेना ठीक है तो फाइनली फिर मैं आज यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं ट्रांसफर प्राइजिंग का अब ट्रांसफर प्राइजिंग के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना एक बार यहाँ पे चेक करो अब ट्रांसफर प्राइजिंग जब आपने क्लास में किया होगा चाहे आपने कहीं से भी क्लास ली है मैटर वो नहीं करता रिविजन मुझे करवानी है बस मैटर ये करता है अब अगर मैं ट्रांसफर प्राइजिंग की बात करूंगा याद करो ट्रांसफर प्राइजिंग का चैप्टर ना क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सेक्शन नंबर 92 से लेकर 92 एफ तक जितने प्रोविजंस होते हैं वो सारे के सारे टीपी के होते हैं

बच्चा कह रहे है सर आज हमें कौन-कौन से कंप्लीट करने हैं आज हमें एक तो 92 1 कंप्लीट करना है 92 2 हम कंप्लीट करेंगे 92 2 ए हम कंप्लीट करेंगे 92 3 हम कंप्लीट करेंगे 92 बी1 कंप्लीट करेंगे 92 बी2 कंप्लीट करेंगे, करेंगे और 92 ए हम कंप्लीट करेंगे ये सारे प्रोविजन जो है ना ये आज हमें कंप्लीट करने हैं बाकी सारी बातें फिर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे

ट्रांसफर ट्रांसफरवाइजिंग गवर्नमेंट ये लेके आई थी कि अगर कोई पर्सन इंडिया में रहने वाला इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करेगा ना और उस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पर जो भी वो इनकम कमाएगा और जो भी वो खर्चे करेगा वो किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन करेगा ना तो गवर्नमेंट बोलती है हम तुम्हारी इनकम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेस ऑफ एल तो सिंपल सी बात यह निकल के आती है कि अगर किसी पर्सन ने अगर किसी पर्सन ने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की है या कुछ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन की है उसकी जब भी इनकम निकालेंगे ना वो इनकम निकालेंगे ऑन द बेस ऑफ आर्म लेंथ प्राइस अब बच्चा ये बात कहता है सर मैंने कहा हाँ सर ये आर्म लेंथ प्राइस का मतलब क्या होता है याद करो मैंने कहा था आर्म लेंथ प्राइस का मतलब क्या होता है इसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है फेयर मार्केट वैल्यू मीनस इसकी एक्चुअल मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है वो हमें निकालना पड़ेगा उसके बेस पे हमें इनकम निकालनी पड़ेगी बस ये बात ध्यान दो तो या आपने ट्रांजैक्शन किस प्राइस पर की है मैटर वो नहीं करता उसकी एफ मैटर वो क्या है कोस प्लस मैथड है वो सारे मेथड भी डिस्कस करेंगे बट उससे पहले मैं ये पता हूं टीपी का चैप्टर कब लगेगा तो सबसे पहला सेक्शन जो स्टार्ट करवाने जा रहा हूं दैट इज सेक्शन नंबर 92। एक बार सेक्शन नंबर क्या लिखी है सेक्शन नंबर रिगार्ड टू की हेडिंग से ही पता लग रहा है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से तो उस इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे ए को बेस बनाकर इटमीन्स जो तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना उसको बेस बनाकर हम इनकम निकालेंगे अब सर एक बात सोच के बता ना, बोलना नाइन का ना पहला क्लोज ये बात कहता है एनी इनकम राइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन शेल बी कम्प्यूटेड हैविंग रिगार्ड टू ए एल पी इट मीनस आपने जो भी इनकम कमाई होगी इनकम किससे कमाई होगी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से या ऐसी डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन जो लो में स्पेसिफाइड है अब मुझे नहीं पता कितने बच्चे मेरा सेशन ध्यान सुन रहे हैं मैंने एक चीज बोली है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सारी कवर करूंगा और डोमेस्टिक में सारी कवर नहीं करूंगा कुछ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन होंगी जो सेक्शन 92 टू बी ए के अंदर मेंशन होंगी वो डोमेस्टिक पर टीपी लगेगा और किसी पर टीपी नहीं लगेगा तो बच्चा ये बात कहता है अच्छा मतलब आप ये बात कहना चाह रहे हो कि अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होंगी वो तो सारी कवर होंगी यस सब पे टीपी लगेगा बट अगर डोमेस्टिक होंगी ना तो डोमेस्टिक पर सब पे टीपी नहीं लगेगा अगर वो डोमेस्टिक नाइनटी टू बी ए में कवर होगी उस डोमेस्टिक पर टीपी लगेगा और किसी डोमेस्टिक पर टीपी नहीं लगेगा और उस पर भी टीपी तब लगाएंगे जिस प्राइस पर आपने ट्रांजेक्शन की है अगर वो प्राइस ए एल पी नहीं है इट मीनस अगर आपने ट्रांजेक्शन ए एल पी के बेस पे की है तो टीपी नहीं लगेगा अगर ट्रांजेक्शन ए एल पी के बेस पे नहीं की तो टीपी लग जाएगा बस ये पर ध्यान दो अब एक बात सोच के बताना सर अब यहां पे ना केस नंबर वन एक बार चेक करना इस केस नंबर में क्या लिखा हुआ है केस ना एक एक के एक के बोलना अगर फॉर एग्जांपल पंद्रह सो वाला सामान मैंने हजार रुपए का सेल कर दिया अब अगर पंद्रह वाला सामान मैंने हजार रुपए का एक्सपोर्ट किया उस केस में इंडियन गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है अच्छा लॉस कैसे हो रहा है एक तो पांच रुपए इंडिया में कम आ रहे हैं पांच सौ रुपए से प्रॉफिट कम हो रहा है पांच सौ रुपए से टैक्स कम हो रहा है और फॉरेन कंट्री हर तरफ से बेनिफिट में है तो इंडियन गवर्नमेंट को लॉस है फॉरेनर बेनिफिट में है इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया इंडिया में ना टीपी का लो इंसर्ट किया अब ट्रांसफर प्राइजिंग का लो ये बात कहता है इंडिया वाले इस पर्सन को कि सुन भाई मेरी बात कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन तूने की है इंटरनेशनल और उस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से तूने कोई भी इनकम कमाई है ना तो जो भी तूने इनकम कमाई होगी उस इनकम को हम प्राइस के बेस पे कैलकुलेट करेंगे जिस प्राइस पर तूने इनकम निकाली होगी वो प्राइस हमारे किसी काम का नहीं है अब बच्चा ये बात कहता है सर मैंने कहा सर फिर अगर इस ट्रांजेक्शन को अगर आमलेंथ प्राइस पर लेकर जाएंगे तो हजार रुपए का सेल किया एफ एम पंद्रह सौ रुपए है तो पांच सौ रुपए का नुकसान है मैं कह रही बिल्कुल सही बात है तो सर फिर जो पांच सौ रुपए का नुकसान होगा फिर गवर्नमेंट क्या करेगी गवर्नमेंट पांच सौ रुपए ना इस पर्सन की इनकम में एड बैक कर देगी ये टीपी के लो में होता है तो सर टीपी टीपी इज इज नट नट शेल मैं दोबारा बोलूंगा इस नट शेल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की फेयर मार्केट वैल्यू निकालना और उसके बेस पर ट्रांजेक्शन करना इज ए ट्रांसफर प्राइसिंग मैं दोबारा बोलूंगा अच्छा पहली बात हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर अगर आपने पहले टीपी का चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो अगर आप रिवीजन क्लास देख रहे हो तो प्लीज ये सोच के बैठना कि आपको समझ में नहीं आ सकता क्योंकि रिवीजन क्लास में समझ में नहीं आता अगर आ रहा है तो अच्छी बात है यह तो मेरे ऊपर ब्लेसिंग वाली बात हो जाएगी बट अगर नहीं आ रहा तो प्लीज कोशिश करना जब ये वीडियो अपलोड जाएगी आप दोबारा सुन लेना बट जिन बच्चों ने पहले टीपी किया है इतनी मेरी गारंटी है उनको समझ में आ जाएगा जिन्होंने पहले टीपी किया उनकी कोई दिक्कत नहीं है बट जिन्होंने पहले टीपी किया ही नहीं है वो मुझे गालियां निकाल कर ही जाएंगे तो प्लीज बहुत ध्यान सुना मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर ट्रांसफर प्राइसिंग का लो सिंपल एक बात कहता है टीपी सिर्फ ये बात कहता है कि अगर किसी पर्सन ने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की होगी उस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की हम ए निकालेंगे और तुम्हारी इनकम को हम ए के बेस पे निकालेंगे और अगर तुमने इनकम ए के बेस पे नहीं निकाली होगी तो जो भी डिफरेंस होगा ना वो डिफरेंस तुम्हारी इनकम में एडबैक कर देंगे बस टीपी का लो ये बात कहता है अच्छा अब सामने जितने बच्चे मेरे सीएस प्रोफेशनल के फैमिली के बैठे हैं

और उसमें क्या लिखा था कि इनकम में हम एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड करेंगे और इंटरेस्ट भी इंक्लूड करेंगे इट इटमींस आज इंटरनेशनल किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन करोगे ना चाहे वो इनकम की हो इंटरेस्ट की हो एक्सपेंडिचर की हो किसी भी तरह की हो किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन हो हर इंटरनेशनल पर अब टीपी लग जाएगा बस ये पर ध्यान दो तो देखो एग्जांपल नंबर टू मैंने क्या लिखा सर एग्जांपल नंबर टू क्या है अगर कोई सामान मैंने इंपोर्ट किया दो हजार रुपए का उसकी एएलपी एल पी पंद्रह सौ रुपये है है। पूरी फैमिली से है, इंपोर्ट का मतलब रुपए अब अगर मैंने दो पे का परचेस किया होगा ना तो मैंने दो हजार जबकि मुझे खर्चा डेबिट करना कितना चाहिए पंद्रह डेबिट करना चाहिए अब अगर मैंने दो हजार डेबिट किया पंद्रह की जगह तो गवर्नमेंट को पांच रुपए का नुकसान हो गया तो गवर्नमेंट ने बोला भाई टीपी लगेगा

टीपी आज खर्चों पर भी है टीपी इंटरेस्ट पर भी है मतलब जहां इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की बात होगी ना वहां टीपी लगेगा बात खत्म तो भैया ये वाली ट्रांजेक्शन तेरी इंटरनेशनल है और हमें पांच सौ रुपए का नुकसान हो रहा है ना तो हम ये पांच सौ रुपए तेरी इनकम में एडबैक कर देंगे और हम ये टीपी का लो लगा देंगे बस ये ध्यान दो तुमने फटाफट से पूरी फैमिली जो मेरी सी सीएस प्रोफेशनल के सामने बैठी है जितने बच्चे बैठे हैं आज चाहे कम ही बैठे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर मैंने पहले भी कहा था देखो मैं प्रोफेशन के लिए लाइव आऊंगा चाहे बच्चे बैठे हो चालीस चाहे बच्चे बैठे हो पचास चाहे बच्चे बैठे हो दो सौ जितने बच्चे बैठे होंगे ना जितने बच्चे इसका फायदा ले जाएंगे उतना मेरे लिए क्या मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ कि जितना मेरा फायदा उठा लोगे उतना आपका बढ़िया हो जाएगा क्योंकि आप एग्जाम में मुझे याद करोगे कि सर ने टीपी रिवाइज करवाया था और टीपी की रिविजन हमारे काम आ रही है और जिन बच्चों को यह लगता है कि हमें सारा कुछ आता है उनके बाद मैं कुछ नहीं कर पाता क्योंकि प्रोफेशनल के मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं अलग लेवल का एटीट्यूड लेके चलते हैं और उनका एटीट्यूड तब ठंडा होता है जब वो एग्जाम के अंदर जाती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आधा घंटा इन्वेस्ट करके जाना आधा घंटा वेस्ट मत करना इतनी मेरी इन्वेस्टमेंट मैं करा दूंगा सारी कोशिश मेरी रहेगी बाकी अब आप अब आपके ऊपर है एक बात में सोच के बताना सर एक बात में सोच के बताओ अभी तक मैंने क्या बोला टीपी के लो में गवर्नमेंट गोर्में क्या कहना चाह रही है टीपी के लो में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर आपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की है अब चाहे वो इनकम की है चाहे वो खर्चे की है उसकी इनकम और खर्चा हम एएलपी के बेस पे निकालेंगे अगर इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा होगा जितना नुकसान हो रहा होगा वो इंडियन किंग कम बैक कर देंगे और उससे टैक्स की रिकवरी कर लेंगे ये सारी बातें अभी तक हमने टीपी में सीखी अच्छा अब अगर किसी बच्चे ने सेक्शन 92 में एक वर्ड पढ़ाओ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इट मीन्स ये तो क्लियर है कि टीपी का लोना हर ट्रांजेक्शन पे नहीं लगेगा इंटरनेशनल पे लगेगा अब सर एक बात मैं सोच के बताना आपके सामने मैंने यहां पे दो केस रखे हैं अब ये पर्सन इंडिया का है यहां पर मान लो यूएसए है अब इंडिया और यूएसए वाले ना ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है मतलब इंडिया वाला यूएसए को नहीं जानता यूएसए वाला इंडिया को नहीं जानता बट इन दोनों ने आपस में एक ट्रांजेक्शन की इन दोनों ने आपस में एक की तो क्या ये ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल बनेगी नहीं बनेगी पहला क्वेश्चन ये फिर दूसरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है इंडिया और यूएसए जिन लोगों ने आपस में ट्रांजेक्शन की ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और अगर ये दोनों एक दूसरे को जानते होंगे तो क्या ये ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल बनेगी नहीं बनेगी दूसरा क्वेश्चन ये मैं चेक करता हूं पूरे प्रोफेशनल की फैमिली के बच्चे कैसे चैट बॉक्स में आंसर देते हैं जो मुझे ये बताना चाहता है इन दोनों में से कौन सी ट्रेक्शन इंटरनेशनल है और कौन सी नहीं है और जो ये कहना चाहते हैं कि इंटरनेशनल तो दोनों ही है फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो रही जो ये कह रहे हैं कि दोनों ही इंटरनेशनल है जो ये कह रहे हैं फर्स्ट है सर इंडिया से अगर यूएसए में ट्रांक्शन करेंगे दोनों ही केस में ट्रांक्शन तो इंटरनेशनल होगी ना और कई बच्चे कह रहे हैं सिर्फ पहली नहीं है सेकेंड है कई कह रहे हैं सेकंड है पहली नहीं है एक बात में सोच के बताना ना को एक बात में सोच के बताओ अब अगर आपने बोला भाई ये भी इंटरनेशनल है और ये भी इंटरनेशनल है तो आप तो इन दोनों पे टीपी लगा दोगे क्योंकि टीपी का लग लगता है इंटरनेशनल पर बट गवर्नमेंट ये बात कहती है गवर्नमेंट ये बात कहती है सुन भाई विवेक मेरी बात कि ये जो है ना ये वाली ट्रांजेक्शन जो है ये ट्रांजेक्शन तेरी इंटरनेशनल नहीं है मैंने कहा यार गवर्नमेंट क्या कमाल की बात कर रहे हो कि अगर इंडिया वाले ने कोई ट्रांजेक्शन यूएसए के साथ की क्या वो ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल नहीं है तो गवर्नमेंट ने बोला सुन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं यह ट्रांसफर प्राइजिंग के लो में डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर नाइनटी टू बी के अंदर इट मीन अगर तेरी ट्रांजेक्शन अगर तेरी ट्रांजेक्शन सेक्शन नंबर नाइनटी टू बी के अंदर फॉल कर जाती है ना फिर तो इंटरनेशनल बनेगी नहीं तो इंटरनेशनल बनेगी अब जब मैं सेक्शन नंबर नाइनटी टू बी कराऊंगा आपको उसकी रिविजन कराऊंगा उसमें पता है क्या लिखा है ऐसी ट्रांजेक्शन ऐसी ट्रांक्शन जो की गई है दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में उसी को इंटरनेशनल बोलना नहीं तो मत बोलना और ये एसोसिएटेड किसे कहते हैं एक बार के लिए समझ लो रिलेटेड पार्टी अब एक बात खुद सोच के बताना थोड़ा सा माइंड माइंड लगाओ थोड़ा सा लगाना अब अगर मान लो ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं है और अगर ये एक दूसरे को जानते ही नहीं है तो प्राइस में फ्लक्चुएशन कैसे होगा सर फ्लक्चुएशन वहीं तो होगा जहां पर एक दूसरे को जानते होंगे अब जब एक दूसरे को जानते ही नहीं है तो सिंपल सी बात है फ्लक्चुएशन होगा ही नहीं और अगर प्राइस में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा आप मुझे एक बार सोच के बताओ फॉर मेरी बुक स्टोर है मेरा बुक स्टोर है आप मेरे पास स्कैनर लेने के लिए आपने बोला कि एडवांस टैक्स का स्कैनर देना कितने का मैं तीन सौ रुपए का आपका दूसरा दोस्त आया कह रहा कितने का का रुपए एक दोस्त आया वो फॉर एक्साम्पल मेरा रिलेटेड पार्टी है अब अगर वो मेरा रिलेटेड पार्टी है तो क्या मैं स्कैनर तीन सौ मैं स्कैनर तीन सौ का नहीं दूंगा मैं प्राइस कम पर दूंगा अब जहां वो रिलेटेड पार्टी हुई वहां स्कैनर प्राइस कम हो गया और जहां रिलेटेड पार्टी नहीं है वहां प्राइस पूरा चल रहा है तो पर प्राइस ही पूरा चल रहा है जो ही already, market value के पर पर है, है क्या करोगे? अब बच्चा ये बात कहता सर, मैंने कहा तो सर फिर अगर ये ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल नहीं मानी जाएगी फिर इसको हम क्या बोलते हैं आपने शायद एक वर्ड होगा, दैट इज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन मैं दोबारा बोलूंगा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन ऐसी जिसने इंडिया का बॉर्डर तो क्रॉस कर दिया ऐसी इंडिया का बॉर्डर तो क्रॉस कर दिया, बट वो इंटरनेशनल बनने में असमर्थ हो चुकी है तो वो इंटरनेशनल में कवर नहीं होगी वो क्रॉस बॉर्डर में कवर होगी और क्रॉस बॉर्डर पर कभी टीपी नहीं लगता टीपी इंटरनेशनल पर लगता है अब मुझे नहीं पता आपको मेरी कितनी बात समझ में आ रही है सर मेरे एफर्ट्स पूरे हैं मेरी जान पूरी लग रही है कोशिश भी हूं कि पूरी समझ में आए जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है तो सर इतना ध्यान रखना कि इंडिया से बाहर की गई इंडिया से बाहर की गई हर ट्रानेक्शन इंटरनेशनल बनेगी ऐसा लॉ में नहीं लिखा हुआ इंटरनेशनल वही ट्रानेक्शन बनती है जो सेक्शन नंबर नाइनटी टू बी में लिखी हो तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं टीपी के लो में कई बार केस स्टडी बन चुकी है और बच्चों के बात पता ही नहीं होती बहुत सारे बच्चे अभी भी लिख के आ रहे होंगे इंडिया से बाहर की है इंटरनेशनल है सर आपके बोलने से इंटरनेशनल बनेगी मेरे देखने से इंटरनेशनल बनेगी जो नाइनटी बी में लिखा होगा ना उसके बेस में बनेगी अब बच्चा कह रहा है नाइन्टी बी में लिखा क्या है अभी हम देखते हैं दो मिनट के बाद बट पहले समझो कि ये ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल नहीं है और अगर ये इंटरनेशनल नहीं है इस पर टीपी की बात भी नहीं होगी ये ट्रांजेक्शन जो है इंटरनेशनल बन जाएगी इस पर हम टीपी की बात करें क्योंकि टीपी इंटरनेशनल पर लगता है और किसी पर नहीं लगता ये बात क्लियर है पक्का पक्का अब बच्चा कहता है सर फिर इंटरनेशनल किसे कहते हैं ये देखो आपके सामने है। इंटरनेशनल किसे कहते हैं सेक्शन नंबर 92 बी में लिखा हुआ है और 92b के ना 92b के टोटल दो क्लोज आपने क्लास में पढ़े होंगे एक तो 92b1 आपने क्लास में पढ़ा होगा और एक 92b2 आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा ये b2 आएगा अब बच्चा कहता है हाँ हाँ सर हमें ना क्लास में ध्यान आ गया आपने में जब क्लास में टीपी करवाया था ना तो आपने हमें कहा था कि 92b1 तो होता है एक्चुअल इंटरनेशनल और नाइनटी होता है डीम्ड इंटरनेशनल यस और डीम्ड का मतलब मैंने पहले भी कहा था डीम्ड मीन माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा कि वो ट्रांजेक्शन क्या है इंटरनेशनल है इट स ऐसी ट्रांजेक्शन ऐसी ट्रांजेक्शन जो अनरिलेटेड पार्टी के बीच में की गई है फिर भी वो ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल मान ली जाएगी कब अगर वो नाइनटी टू बी टू में कवर हो जाती है तो यह सिंपल सी बात यह निकल के आ रही है कि जहां पर दोनों का लिंक है जहां दोनों का लिंक है वो तो एक्चुअली है बट जहां हम दोनों का लिंक नहीं है जहां दोनों का लिंक नहीं है बट गवर्नमेंट कैरी फिर भी हम लिंक मान लेंगे फिर भी इंटरनेशनल मान लेंगे वो कब मानेंगे अगर तुम नाइनटी टू बी टू में कवर हो जाते हो तो आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन प्लीज डिफाइन करो तो बी वन लिख के आना होगा और बी टू दोनों लिख के आने होंगे तब जाके पांच नंबर मिलेंगे अब बच्चा कहता है सर एक बार बी वन दिखा दो बी वन में क्या है याद करो तो अपने क्लास में क्या हो गया होगा बीवन ये बात कहता है एक्चुअल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उसे बोलते हैं ऐसी ट्रांजेक्शन जो एंटर की गई है किसके बीच में बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में ओ माई गोट एसोसिएटेड एंटरप्राइज मीन्स एसोसिएटेड एंटरप्राइज मींस जो सेक्शन नंबर नाइनटी टू कैपिटल ए में लिखे होंगे सर हम कब माने हम दोनों में लिंक है हम कब ये मान ले हम दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे को जानती हैं हम ये कैसे मान ले मेरा उससे रिलेशन है ये जो तो सारी बातें आपके मन में है ना ये सारी बातें देखो यहां पे नाइनटी ए में अभी हमें करनी है ये सारी बातें रिलेटेड पार्टी वाली अभी हमारी थोड़ी देर के बाद आएंगी टाइम लगा तो आज करेंगे नहीं ने, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे बट मैंने आपको बोल दिया चार से पांच में पूरा टीपी ऐसे रिवाइज करा दूंगा ना आप भी याद करोगे कि आपने टीपी पहले नहीं भी पढ़ा था ना तो भी आपकी रिविजन हो गई बट उसके लिए सेशन में आना पड़ेगा मुझे थोड़ा मोटिवेशन देना पड़ेगा कि ये ना होना कि बच्चे 50, 60, 30, 40 ऐसे 70, 80 आके बैठ जाएं और मैं अपना गला मैं यही कह रहा कि मैं नहीं बोलूंगा मैं उन 10 बच्चों के लिए बोलूंगा बट मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर सारी प्रोफेशनल की फैमिली एक एकजुट होकर यहाँ पर बैठी हो मैं भी एफर्ट्स लगा रहा हूं तो मेरा पढ़ाने का मजा और दुगना हो जाएगा ठीक है ना अब वो आपके ऊपर है सर देखो वो आपके ऊपर है बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है जितनी हाजिरी मेरी एग्जीक्यूटिव वालों के लिए है उससे बड़ी रिस्पॉसिबिलिटी आपकी है रीजन बिंग क्योंकि आप सी बनने वाले हो बट कई बार प्रोफेशनल के बच्चे नाराज हो जाते हैं ना और मैं ऑब्वियस बात करता हूँ सर सौ परसेंट बच्चा मैं कैसे सेटिसफाई करू मैं तो अपनी छाती चीर के भी दिखा दूँ तो भी आप मेरे अंदर बैठे हो बट वही पता है ना हर बच्चा कई बच्चे मानते हैं कई बच्चे नहीं मानते तो या सिंपल सी बात है मेरा काम हार्ड वर्क करना है इसलिए मैंने बोला चलिए प्रोफेशनल के लेक्चर अलग से लेके लेते हैं और एग्जीक्यूटिव अलग ले कर लेते हैं तो इधर सुना ध्यान से अब एसोसिएटेड किसे कहते हैं एसोसिएटेड किसे कहते हैं वो सारी की सारी बातें हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला एक्चुअल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वो बनेगी ऐसी ट्रानेक्शन जो एंटर की गई है बोलो ऐसी ट्रानेक्शन जो एंटर की गई है टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में बट एक और कंडीशन भी है, उन दोनों पार्टी में से ना उन दोनों पार्टी में से कम से कम एक पार्टी एनआर होनी चाहिए इट मीन्स या तो वो ट्रानेक्शन आर एनआर के बीच में हो या दोनों ही एनआर एनआर हो और अगर दोनों ही आर होंगी ना तो गवर्नमेंट बोलती है वो इंटरनेशनल नहीं बनेगी वो भैया यहाँ पे कवर नहीं होगी तो भैया यहाँ पे वही कवर होंगी कम से कम एक पार्टी एनआर हो एक बच्चा सामने बैठा कहता सर अगर दोनों पार्टी एनआर होंगी तो एक बात मैंने सोच के बताओ बाहर का रहने वाला बाहर ही कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है इंडिया वाले इतनी बड़ी सुपर पावर है क्या कहीं भी उड़ के चले जाएंगे कि हाँ भाई हम टीपी का लो लगाएंगे मतलब हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि भैया जब दोनों ही एनआर हैं

अगर दोनों एनआर हैं कंडीशन क्या है एटलीस्ट वन नॉन रेजिडेंट इनकम जो है टैक्सेबल इन इंडिया इट मीन अगर दोनों में से एक इनकम अगर इंडिया में टैक्सेबल होगी तब इंटरनेशनल बनेगी नहीं तो नहीं बनेगी ये बात क्लियर है तो तो ये तो हो गई एक्चुअल मुझे फटाफट से बोलो मिनट के अंदर कराओ इंटरनेशनल किसे कहते हैं नाइनटी टू बी में बी के दो क्लोज है बी वन बी टू बी वन में क्या एक्चुअल एक्चुअल कब बनते हैं ऐसी ट्रांक्शन जो एंटर की गई है टू और मोर एसोसिएटेड के बीच में इन विच वन पार्टी और बोथ पार्टी मस्ट बी एनआर और अगर दोनों पार्टी एनआर होंगी तो टीपी कब लगेगा अगर दोनों में से एक पार्टी की इनकम इंडिया में टैक्सेबल है टीपी तब लगेगा सर अब यह ट्रांजेक्शन होनी कैसे कैसी भी हो चाहे वो सेल की हो परचेज की हो सर्विस की हो लीज की हो एटसेट्रा कैसी भी ट्रांजेक्शन हो बस ये कंडीशन देख लेना और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो वो इंटरनेशनल होंगी और फिर जाके टीपी का लो लगाना नहीं तो टीपी का लो मत लगाना अब बच्चा कहता है सर अगर मान लो कोई ट्रांजेक्शन एक्चुअल में कवर नहीं है अगर मान लो वो एक्चुअल में कवर ही नहीं है तो क्या टीपी नहीं लगेगा मैंने कब कहा अगर वो एक्चुअल में कवर नहीं होगी ना तो उस केस में फिर यहां पे चेक करनी पड़ेगी डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और डीम्ड का मतलब क्या है ऐसी जहां पर रिलेशन नहीं है वो दोनों अनरिलेटेड पार्टी हैं बट फिर भी एक स्मेल आ रही है एक मतलब एक स्मेल का मतलब एक खुशबू खुशबू तो नहीं बोलूंगा एक ऐसी मुझे इंट्यूशन आ रही है कि कुछ घपलेबाजी करने जा रहे हैं इट मुझे ऐसा देखने से लग रहा है कि तुम दोनों अनरिलेटेड पार्टी हो बस दिखाने के लिए हो बट तुम्हें कंट्रोल करने वाला कोई और है तुम्हें और कोई कंट्रोल कंट्रोल कर रहा है और तुम्हें वही कंट्रोल कर रहा है जिनका आपस में लिंक है उसने क्या किया तुझे भेज दिया कि जा तू मेरे बिहार पर जा तू उससे अनलिंक पार्टी है तेरे पे टीपी नहीं लगेगा गवर्नमेंट ने बोला हम क्या पागल हैं क्या नहीं हमें क्या पागल समझा हुआ है कि तुम हमें दिखाओगे कि हम अनरिलेटेड पार्टी हैं और हम मान जाएंगे

क्या फिर लो में कुछ कंडीशन भी है yes, condition, भी देखो यहाँ पे क्या लिखा Deemed है? है का मतलब होता मानो मानना ही पड़ेगा। वो इंटरनेशनल है, अब यहाँ पे government के रही है, परसन, नहीं बी बी इफ पहली ए प्रायर एग्रीमेंट बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज और अनरिलेटेड पर्सन और टर्म्स एंड कंडीशन आर डिटरमाइंड बाय एसोसिएट एंटरप्राइज इट मीन टर्म्स कंडीशन बताने वाले कोई दूसरी पार्टी है या तुम्हारा उनसे पहले से ही कोई एग्रीमेंट था अगर हमें इनमें से कोई भी स्मेल आ गई ना उस केस में हम टीपी का लो यहाँ पे लगा देंगे सर क्या आप हमें एग्जाम्पल दोगे एग्जाम्पल देख लो जी एग्जाम्पल देखो ये इंडिया है मिस्टर एक्स है यूएसए मिस्टर वाई है इन दोनों का आपस में लिंक है और अगर इन दोनों का आपस में लिंक है इट मीन्स ये दोनों एसोसिएटेड है अब अगर ये दोनों ट्रांजेक्शन कोई भी करेंगे यहाँ तो टीपी लगा देंगे अब एक मिस्टर जेड है वो जापान का है और इस जापान वाले का ना इस जापान वाले का इंडिया से कोई भी लिंक नहीं है जापान तुम दोनों को भी इंटरनेशनल मान लेंगे कब अगर इस जापान वाले का इस यूएसए वाले से पहले से ही कोई एग्रीमेंट पाया गया सर एग्रीमेंट कैसा हो सकता है एग्रीमेंट ऐसा हो सकता है कि यूएसए वाले ने बोला जापान वाले को जा तू मेरे बिहार कर ले क्योंकि अगर तू ट्रक्शन करेगा तो टीपी नहीं लगेगा जो चोरी होगी मतलब वा? कमाल कर दीजिए इंडिया जापान की हो रही है इंडिया जापान की हो रही है टर्म्स कंडीशन वाला कैसे बता रहा है सर सोच के देखना लॉजिकल सोचना लॉजिकल भाई जब ट्रांजेक्शन आपकी मेरी है टर्म्स कंडीशन हम दोनों बताएंगे दूसरी पार्टी कैसे डिटरमाइन कर रही है भाई तो अगर हमारी टर्म्स कंडीशन दूसरी पार्टी डिटरमाइन कर रही है तो कुछ तो घपलेबाजी है तो भैया इस ट्रांजेक्शन पर भी हम टीपी लगा देंगे बात खत्म तो सिंपल सी बात यह निकल के आ रही है सिंपल सी बात यह निकल के आ रही है कि भैया अगर यहां पर ऐसा है अगर इन दोनों में से सिंगल कंडीशन भी सेटिस्फाइड है दोबारा बोल रहा हूं या तो आपका इन दोनों का कोई प्रायर एग्रीमेंट है इन दोनों का इन दोनों का कोई प्रायर एग्रीमेंट है या जो ये वाली पार्टी है ये वाली पार्टी है इसकी टर्म्स कंडीशन जो है इस ट्रांजेक्शन की टर्म्स कंडीशन बताने वाला अगर ये वाला पर्सन होगा ना तो उस केस में गवर्नमेंट ये बात बोलती है हम इस ट्रांजेक्शन पे भी टीपी लगा देंगे बस ये बात ध्यान दो और अगर यहां पे, अगर यहां पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो दैट इज डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इस पर भी टीपी लग जाएगा और आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि एक्चुअल इंटरनेशनल में ये लिखा हुआ है कि कम से कम एक पार्टी एनआर होनी चाहिए और दोनों भी एनआर चलेंगी बट डीम्ड में नहीं लिखा सर डीम्ड में नहीं लिखा कमाल के बाद देखो लो बनाने वाले ने कितना कमाल कर दिया कि इट अगर ये दोनों पार्टी रेजिडेंट भी होंगी अगर ये दोनों पार्टी रेजिडेंट भी होंगी और उसमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही होंगी तो भी इंटरनेशनल बन जाएगी एक बच्चा तुरंत बोल पड़ा कहता सर क्या हो गया आपको मैं कहा क्यों क्या हुआ कहता ये तो दोनों रेजिडेंट है और आपने यहां पे कहा था कि दोनों अगर रेजिडेंट होंगे तो इंटरनेशनल नहीं बनेंगे मैंने कहा excel, मैं अभी भी वो बात कह रहा हूं कि दोनों रेजिडेंट होंगे इंटरनेशनल नहीं बनेंगे मैंने कब कहा वो डीम्ड इंटरनेशनल भी नहीं बनेंगे सर मैंने कब कहा वो डीम्ड भी नहीं बनेंगे ये बात हम कर रहे हैं डीम्ड और डीम पहले ही पढ़ चुके हैं मानना ही पड़ेगा इट मीन अगर ये दोनों पार्टी रेजिडेंट भी हैं और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है ना साफ तो ये पार्टी इंटरनेशनल है और अगर ये इंटरनेशनल बन जाएगी तो यहां पर भी टीपी लगेगा तो सिंपल से बात ये निकल रहे है कि जो तुम डीम्ड में कवर करोगे वो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं दोनों नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं और दोनों रेजिडेंट भी हो सकते हैं क्योंकि दोनों रेजिडेंट अगर इंटरनेशनल बन जाएंगे तो वो एक्चुअल में चाहे कवर ना हो बट वो डीम्ड में कवर हो जाएंगे बात समझ में आ रही है नहीं। तो ये सारी बातें आपकी डीम्ड में तो मुझे फटाफट से बोल देना अब इंटरनेशनल के दो क्लोज आपने पढ़े हैं नाइनटी टू बी वन नाइनटी टू बी टू B1 वन एक्चुअल है B2 टू डीम्ड है एक्चुअल में भैया ऐसी ट्रांजेक्शन जो एंटर की गई है एसोसिएटेड के बीच में इन बीच वन पार्टी और बोथ पार्टी मस्ट बी एनआर और दोनों पार्टी एनआर तब होंगी अगर दोनों में से एक इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी डीम्ड का मतलब ये होता है ऐसी ट्रांजेक्शन जो अनरिलेटेड के साथ की गई है उसको भी हम मान लेंगे इंटरनेशनल कब अगर दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड है अगर इस पार्टी का उस पार्टी से कोई प्रायर एग्रीमेंट चल रहा है या इस ट्रांजेक्शन के टर्म्स कंडीशन बताने वाली दूसरी पार्टी है तो भैया ये मतलब ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारा कोई लिंक ना हो तो हम ये तुम्हारा लिंक मान लेंगे चाहे तुम रोते रहो चाहे तुम बिल बुलाते रहो कुछ भी बोलते रहो इन दोनों में लिंक मान के यहाँ पे टीपी लगा देंगे बात खत्म क्योंकि हमें इंटर ऐसी आ है, कुछ घपलेबाजी है हम टीपी लगा के देखना चाहते हैं कि जिस प्राइस पर तुमने ट्रांजेक्शन की है क्या वो ए के ऊपर है या नहीं है ठीक है जी तो ये सारी बातें आपने यहां पे की है यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है अच्छा अब यहां पे एक सेक्शन नंबर 92 का क्लोज नंबर थ्री आपने पड़ा होगा क्लास के अंदर अब ये close number 3 एक क्लोज नंबर क्या कहता है बात मुझे सोच के बताओ, अब ये इंडिया है और यह आउटसाइड इंडिया है अब इंडिया ने ना आउटसाइड इंडिया में सामान एक्सपोर्ट किया दो हजार रुपए का मतलब दो हजार रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया ठीक है अठारह सौ रुपए अब बच्चा कहता है सर ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है एक बच्चा मेरे पास आया कहता सर मैंने कहा कहता सर मुझे ना अर्जेंट बेस पे माउस चाहिए

मतलब अगर मैं ये सामान 1500 का बेचता तो तुम बोलते है के प्रॉफिट निकालेंगे तीन सौ रुपए और जब मैंने सामान दो का बेच दिया तुम कह रहे हो दो हजार है मैंने कहा क्या मतलब हुआ कि जब तुमने ट्रांसफर प्राइसिंग में एल पी बेस बनाई है तो यहां पर भी ए एल पी बेस बनाओ ना गवर्नमेंट ने कहा नहीं हमने सेक्शन 92 में सब सेक्शन 3 डाल दिया कि अगर ट्रांसफर प्राइसिंग का लो लगाने से लाइन बहुत काम के ध्यान सुन के जाना अगर ट्रांसफर प्राइजिंग का लो लगाने से हमारे प्रॉफिट कम हो जाते हैं ट्रांसफर प्राइजिंग का लो लगाने से हमें नुकसान हो रहा है हमारे इनकम कम हो रही है हमारे लॉस बढ़ रहे हैं तो उस केस में हम टीपी का लो ही नहीं लगाएंगे चल निकल यहां से तो टीपी का लो वहीं लगेगा जहां गवर्नमेंट को फायदा होगा जहां गवर्नमेंट का नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा ना उस केस में टीपी लगेगा ही नहीं सर ये क्या मतलब है यही मतलब है आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा भी था कि इंडियन गवर्नमेंट है इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया जहां हमें फायदा वहां टीपी लगाएंगे जहां हमें फायदा नहीं होगा ना हमें नुकसान होगा हम टीपी लगाएंगे नहीं देखो यहां पर क्या लिखे इफ वी टेक ए एल पी रिडक्शन इन इनकम इनकम रिड्यूस हो जाएगी इंक्रीज द लॉस देन ट्रांसफर प्राइसिंग लॉस लोस नॉट अप्लाई टीपी का लो एप्लीकेबल नहीं होगा सर ये बात मैं नहीं कह रहा यह बात आपकी नाइनटी टू थ्री के अंदर लिखी हुई है आपने क्लासेस के अंदर पढ़ी होगी तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है करक्स ध्यान रखना मेरे पूरी फैमिली बस करक्स ध्यान रख के जाएगी अगर टीपी का लो लगाने से इनकम गवर्नमेंट की बढ़ती है तब टीपी लगाना अगर टीपी लगाने से इनकम गवर्नमेंट की कम हो जाती है और गवर्नमेंट के लॉस बढ़ जाते हैं उस केस में टीपी एप्लीकेबल नहीं होगा गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया हम यहां पर टीपी लगाएंगे नहीं तो सिंपल सी बात है थ्री है ठीक है जी और उसके बाद एक नाइनटी टू टू है याद करो क्लास में आपने किया होगा एलोकेशन ऑफ कॉस्ट वाला अगर एक हेड ऑफिस है

तो डेबिट होने चाहिए अस्सी लाख रुपए तूने लाख रुपए डेबिट करके तूने प्रॉफिट बहुत कम कर दिए भैया हम ये काम नहीं करने देंगे तो गवर्नमेंट ने क्या किया 92 में क्लोज नंबर इंसर्ट किया कि अगर कोई कंपनी खर्चों की एलोकेशन भी करेगी अगर कोई कंपनी खर्चों की अपोर्शनमेंट करेगी तो उसकी एलोकेशन और अपोर्शनमेंट जो हम करेंगे ना ऑन द बेसिस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द बेस ऑफ आर्म लेंथ प्राइस इस बेस पे करेंगे

अभी सिर्फ आज तो हमारा बेसिक सेशन है ताकि आपको यह समझ में आए कि जो आपने टीपी कितने टाइम पहले पढ़ा था क्योंकि इनकम टैक्स मैंने बहुत पहले खत्म करवा दिया था अभी तो मेरा जीएसटी चल रहा है क्लास में और जीएसटी अप्रोक्सीमेट सत्ताईस लेक्चर हो चुके हैं ठीक है ना तो अभी तो सिंपल जीएसटी के सत्ताईस लेक्चर और पहले इनकम टैक्स के मुझे तो पता ही नहीं है और अगर आपने कहीं से ही पढ़ा है तो भी मुझे पता नहीं है कि आपने कैसे पढ़ा अच्छा ही पढ़ा होगा वैसे बात है हर टीच बात है सर हर इंसान अच्छा ही पढ़ाता उसमें कोई दिक्कत नहीं है बस मेन ही होता है कि हमने रिवीजन कैसे करनी है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि अगर आप रिविजन क्लास डेली बेस पर अटेंड करोगे आपको फायदा जरूर मिलेगा ठीक है रही? तो अभी अभी तक तक मैंने क्या कंप्लीट कंप्लीट करवा दिया जी? अभी हमने कर लिया 92 का क्लोज क्लोज नंबर नंबर टू मुझे अगर कोई इनकम कमाओगे

डीम्ड का मतलब जो एक्चुअल में ट्रांक्शन की गई है अनरिलेटेड पर्सन के बीच में फिर भी हम मान लेंगे इंटरनेशनल वो कम मानेंगे दो कंडीशन है या तो प्रायर एग्रीमेंट हो या टर्म्स कंडीशन किसी दूसरी पार्टी ने बताई हो अगर ऐसा होगा तो वो इंटरेस्ट होगी फिर वहां पर भी टिपिकल हो लगेगा और कमाल की बात स्पेशल पॉइंट यह कि अगर वो दोनों रेजिडेंट भी होंगी तो भी हम डीम्ड मान के टीपिकलो लगा देंगे अच्छा अब ये बार बार एक वर्ड आ रहा है एसोसिएटेड उसको हम डिफाइन करेंगे नाइनटी टू कैपिटल ए में अब टाइम तो मेरा आज का ही था नाइनटी टू ए की आज करवा दूंगा रिविजन

ये 45 से 50 मिनट ना अब मैंने फ्री कर रखे हैं एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल वाले बच्चों की स्पेशली रिवीजन के लिए ठीक है ना तो मैं डेली आके ही करवा सकता हूं उसमें टेंशन नहीं आप अगर डेली आके रिवीजन करोगे आपका फायदा हो जाएगा बल्कि जितना आज आपने किया उतने की रिविजन कर लो अगर मैं सारा एक साथ करा दूंगा तो आप में से बहुत सारे बच्चे सारा देख भी नहीं पाएंगे तो हम टॉपिक वाइज करेंगे इतनी मेरी गारंटी है अप्रैल में ना आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन सारा रिवाइज करवा दूंगा ठीक है ना

अगर टीपी लगाने से इंडियन गवर्नमेंट के प्रॉफिट कम हो रहे हैं लोस इंक्रीज हो रहे हैं उस केस में ट्रांसफर प्राइसिंग का लो ही एप्लीकेबल नहीं होगा बस ये बात ध्यान दो तो ये सारी बातें अभी तक हमने की है तो टीपी के लोग का क्रक्स क्या निकल क्या रहा है कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्या है वो भी लो में डिफाइन है और इंटरनेशनल पे इनकम कमाओ खर्चा करो इंटरेस्ट करो कुछ भी करो सबका एल पी निकालेंगे अगर तुमने ए एल पी के बेस पे काम किया होगा तो छोड़ देंगे अब बच्चा कह रहा है ए एल पी कैसे निकालेंगे और सर हमने क्लास के अंदर पढ़ा था वो आपने कहा था छह से ऊपर ए एल पी होती है उसमें वो थर्टी फाइव परसेंट सिक्सटी फाइव परसेंट वो पता नहीं आपने एक मेथड करवाया था रूल टेन सी क्या वो भी कराओगे सब कुछ कराऊंगा जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन टीपी के आज तक एग्जाम के अंदर बने हैं वो भी करा दूंगा ठीक है तो टेंशन मतलब सर इंटरनेशनल टैक्सेशन जो बच्चा घबराता है ना उसका पढ़ने का तरीका मुझे समझ नहीं आता वो कैसे पढ़ता है और कई बच्चे कहते हैं एडवांस टैक्स बहुत वाइड है सर अगर पढ़ने का सही तरीका यूज करोगे ना मैं कह रहा हूं वाइड हो भी मैं क्यों बोलूं वाइड है मैं क्यों डराऊं आपको तो सिंपल सी बात यह निकल के आ रही है माइंड की मेंटेलिटी है अब जब मैंने सी फाइनल की तो क्या मेरा डायरेक्ट टैक्स मुश्किल वाइड नहीं था सर डायरेक्ट टैक्स में ना जब मैंने उस टाइम कोचिंग ली थी तो टोटल हमें दस मॉड्यूल दस बुक्स मिलती थी दस बुक्स और उस दस बुक्स में अप्रोक्सीमेट आप ये मान के चलो कम से कम छह से सात हजार पेजेस थे आप पूछ लेना कभी आठ से दस साल पहले जो बच्चे सीए फाइनल के अंदर होंगे और उन सारे पेजेस को मैंने सो पेज में कंसाइज किया था पे, सिर्फ पेज में जो मेरे डायरेक्ट डायरेक्टेक्स के रिविजन में काम आए थे अब मैं अगर यही मान लेता डी टी बहुत वाइड वाइड बहुत, बहुत, बहुत तो मेरा तो काम तो हो गया था तो सिंपल सी बात कि हमारा माइंड कैसे काम करता है कि हम हम वाइड मानते हैं नहीं मानते हमारे ऊपर है तो अगर आप सही डायरेक्शन के अंदर पढ़ के चलोगे वाइड कुछ भी नहीं है नंबर इसी में ही आएंगे यही ग्रुप निकलवाएगा यही मेरी गारंटी है क्योंकि अब वो जमाना खत्म जब प्रैक्टिकल पहले और भी पेपर होते थे अब तो 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 मेरे ख्याल से के अंदर भी नहीं है है ना तो सिंपल सी बात सिर्फ एक पेपर ही तो रह गया टेक्स का ग्रुप में और अगर मॉड्यूल थ्री में आपने डायरेक्ट टेक्स लिया है तो बाकी सब थियोरिकल पेपर ही है नंबर थियोरिकल के अंदर भी आते हैं बट जो आपके टेक्स के अंदर नंबर आ सकते हैं ना वो किसी भी नहीं आ सकते ठीक है तो जितने आपके क्वेश्चन आज तक सीए फाइनल के अंदर भी आए हैं

नाइन्टी टू एक बार पढ़ लेना था कि ना रिवीजन से पहले एक बार पढ़ लोगे ना तो थोड़ा और समझने में आसानी होगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके सेशन आज आपको समझ में आएगा नहीं आएगा आप गालियां निकाल के जाओगे क्या अच्छा भला बला बोरगे मुझे खुद ही नहीं पता क्योंकि प्रॉब्लम क्या है मैंने कहा ना कि कोशिश पूरी की जाती है बट सामने वाले को समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है वो बहुत बड़ी दिक्कत है तो आपने नेक्स्ट क्लास में एक तो ए आपने एक बार पढ़ के आना है और फिर नाइन्टी टू सी वन सी टू नाइन्टी टू सी थ्री और सी फोर ये एक बार पढ़ के आना बस नेक्स्ट क्लास में हमें यही करनी है ठीक है फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम ये सेक्शंस कंप्लीट करेंगे और फिर एक क्लास में हम करेंगे जितने रूल्स आपके मेथड्स हैं वो हम सारे करेंगे ठीक है तो चाहे वो चार सेशन लगे चाहे पांच लगे टीपी हमें अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि क्वेश्चन पक्का पक्का बनते हैं ठीक है चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में सेम टाइम शाम को सात बजे प्रोफेशनल के सभी बच्चे अब शाम को मिला करेंगे दोस्तों को बोल देना जिन्होंने आर का सेशन अटेंड नहीं किया कि भैया सेशन अच्छा होता है सेशन समझ में भी आता है बाकी आपके ऊपर अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना कि क्या आपको सेशन समझ में आया या नहीं आया क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगेगा और हमें क्या इंप्रूवमेंट करनी है ठीक है ओके जी बाय बाय टाटा थैंक यू सो मच जय हिंद गॉड ब्लेस यू लव यू टेक केयर खुश रहो मुस्कुराते रहो अपना ध्यान रखो अपनी फैमिली का ध्यान रखो और हमेशा अच्छे इंसान बनो डाउन टू अर्थ रहो लाइफ में बहुत आगे जाना है बहुत मुकाम हासिल करने हैं आपने ये बात ऑलवेज ध्यान देना ठीक है गॉड ब्लेस यू टेक केयर